हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पेशली क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन के ऊपर पे। तो हम बात करें सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट के क्वेश्चन से। देखिए, बोलता है कि क्या हाउ मनी फेजेज आर देयर इन द साइकिल्स। बोलता है कि बिजनेस साइकिल जो होता है उसमें कितने फेजेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मतलब एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार फेज। फिर बोलता है दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है बिजनेस साइकिल को, वेल्थ साइकिल बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं, मनी साइकिल बोलते हैं या इनकम साइकिल बोलते हैं। जो दूसरा टर्म है बिजनेस साइकिल को जो मिला हुआ है वो क्या है, इनकम साइकिल, सॉरी वो आपका इकोनॉमिक साइकिल है। ठीक है, यानी वेल्थ बिजनेस साइकिल बोलिए या इकोनॉमिक साइकिल बोलिए, एक ही बात है। बिजनेस साइकिल एक वेव लाइक मूवमेंट दिखाता है या फिर पेंडुलम लाइक ऑसिलेशन दिखाता है या दोनों चीजें दिखाता है या कोई भी बात सही नहीं है। तो बिजनेस साइकिल क्या था, टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक बार आगे जाएगा तो एक बार पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। बिजनेस साइकिल कभी भी कौन मतलब एक जैसा रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, कभी अप है तो कभी डाउन है, कभी डाउन है तो कभी अप है। तो एक वेव लाइक मूवमेंट दिखेगा आपको, वेव लाइक मूवमेंट, पेंडुलम लाइक ऑसिलेशन, दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बिजनेस साइकिल का फ्लक्चुएशन जो होता है वो साइक्लिक होती है, नॉन साइक्लिक होती है, स्ट्रेट लाइन होता है या एलिप्टिकल होता है। तो बिजनेस साइकिल का फ्लक्चुएशन तो होता है, ठीक है, और ये साइक्लिक होती है। साइक्लिक का मतलब क्या है, एक फेज जाएगा तो दूसरा फेज जाएगा, दूसरा फेज जाएगा तो तीसरा फेज जाएगा, तीसरा फेज जाएगा तो चौथा फेज जाएगा, चौथा फेज जाएगा फिर पहला फेज जाएगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइक्लिक ऑप्शन सबसे बढ़िया है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस साइकिल है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, वो बूम फेज साइकिल है या फिर बूम फेज है या फिर डिप्रेशन फेज है, रिसेशन फेज है, रिकवरी फेज है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो है आपका बूम फेज में होगा। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं यानी बिजनेसमैन जो होते हैं वो नए नए मशीन खरीदते हैं और जो एम्प्लॉय रखते हैं उनको भी सैलरी ज्यादा देते हैं, जो काम करने वाले लोग रखे उनको भी सैलरी ज्यादा मिलती है। ये किस फेज में ऐसा देखने को मिलेगा, बूम फेज में, रिसेशन फेज में, डिप्रेशन फेज में या रिकवरी फेज में? सही ऑप्शन है बूम फेज में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। किस फेज में ऐसा दिखता है कि वहां पे आपको इकोनॉमी एक बार पीक पे पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद वहां से लुढ़कना चालू होता है, डाउनवर्ड गिरना चालू होता है, किस फेज में दिखेगा, बूम में दिखेगा, रिसेशन में दिखेगा, डिप्रेशन में दिखेगा, रिकवरी में दिखेगा? तो सही ऑप्शन है रिसेशन में दिखेगा। फिर बोलते हैं कौन सा ऐसा फेज है जिसको टर्म किया गया क्राइसिस के, क्राइसिस नाम दिया गया उस फेज को, तो बूम है, रिसेशन है या फिर डिप्रेशन है या फिर रिकवरी है? तो सही ऑप्शन है क्या है, रिसेशन है। फिर बोलता है ऐसा कौन सा फेज है, फेज में ये चीज देखने को मिलेगा जहां स्टॉक्स जमा हो जाते हैं, बैंक बार बार बोलती है कि भाई रिपेमेंट करो जो लोन लिए हुए हो, बिजनेस फेल होने लगता है यानी फेलियर जो है बिजनेस का बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी लोग मना कर देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, किस फेज में होगा, बूम में, रिसेशन में, डिप्रेशन में, रिकवरी में? सही ऑप्शन है रिसेशन में। कौन सा ऐसा फेज है जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट से भी कम स्तर पे एम्प्लॉयमेंट मिलना, अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, जहां पे दोनों आदमी को भी और मटेरियल को भी कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है। ठीक है, यानी कम पैसा में आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, कम पैसे में लोग काम करने को तैयार है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजें मैन और मटेरियल में किस फेज का कैरेक्टरिस्टिक है, बूम में, रिसेशन में, डिप्रेशन में, रिकवरी में? तो सही ऑप्शन है डिप्रेशन में। हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है जो कि वैलिड पीरियड तक लिमिटेड है, आपको 15 जुलाई 2018 तक लिमिटेड है, यानी दो दिन बचा हुआ है और इस ऑफर के लिए। इसमें हम क्या क्या आपको दे रहे हैं, जीआईबी सीआईबी कोर्सेज में पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, क्विक रिवीजन नोट्स होगा और मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, आप हमारे यहाँ जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस है 2000 रूपये। अगर कोई भी सिंगल जीआईबी या सिंगल सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का कोर्स करते तो दाम है 2000 रूपये, और अभी ऑफर मिलेंगे तो आपको 600 रूपये मिलेगा। और जीआईबी को कॉम्बो पे करते हैं यानी तीनों पेपर करते हैं आप जिसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर में लेंगे तो 1500 रूपये का है। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर लेते हैं यानी एबीएम प्लस बीएफएम, इसका दाम है 3500 रूपये, ऑफर में ले रहे हैं तो 1100 रूपये का है। अगर आप दोनों सीआईबी का कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग लेते हैं जिसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर में ले रहे हैं तो 1500 रूपये का है। 10 मॉक टेस्ट खरीदेंगे कोई पेपर का, दाम है 199 रूपये और इसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किया गया। कॉम्बो पैक है मॉक टेस्ट का, इसका दाम है 399 रूपीज और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। लास्ट दो दिन बचे हैं, आप इसको जो लोग नहीं लिए हैं कोर्सेस को वो ले लें, फायदा रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946।
और वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप। हमारा वेबसाइट हो गया www.jivcibstudypatel.com, ईमेल आईडी हो गया sidsina123@gmail.com और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित।